हेलो व्यूअर्स, मैं हूं मयंक और स्वागत है आप लोग का मेरे इस न्यू वीडियो में। आज का जो वीडियो का टॉपिक है वो है हैमिंग कोड का। हैमिंग कोड से कोई भी क्वेश्चन अगर आप लोग को एग्जामिनेशन में आता है तो उसे कैसे सॉल्व किया जाएगा, बहुत ही इजी तरीके से मैं बताऊंगा आप लोग को कि कोई भी क्वेश्चन आता है हैमिंग कोड में आप लोग को कैसे सॉल्व करना है कंप्यूटर ऑर्गेनाइजेशन में। ठीक है, बहुत ही सिंपल है, हलवा है। वीडियो को एक दो बार देखोगे तो आसानी से आप लोग को समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो एग्जाम में क्या होता है, अक्सर को ये क्वेश्चन आता है ना, बच्चे छोड़ देते हैं, अरे न्यूमेरिकल है क्या है, कैसे सॉल्व करना है। तो बहुत ही सिंपल सा लॉजिक है। ठीक है, एक बार देखो आप लोगों को समझ में आ जाएगा। तो सबसे पहले समझते हैं हैमिंग कोड क्या होता है। हैमिंग कोड क्या होता है, एरर को डिटेक्ट करने का, ठीक है, उसे करेक्ट करने का काम करता है। क्या करता है, एरर को डिटेक्ट करने का, उसे करेक्ट करने का काम करता है। सपोज मैं सेंडर हूँ, मैंने कुछ डेटा भेजा रिसीवर को, ठीक है, मैंने अपने फ्रेंड को कुछ डेटा भेजा, जो डेटा है 10110011 है, बट रिसीवर ने जो रिसीव किया 10010011, एक डेटा यहाँ पे मिस हो गई, एक डेटा क्या हो गई, मिस हो गई, सिंगल बिट यहाँ पे एरर है। तो अक्सर सिंगल बिट को एरर को दूर करने के लिए या अप टू 2 बिट एरर को दूर करने के लिए हम लोग हैमिंग कोड का हम लोग यूज करते हैं। ठीक है, यहाँ पे एक प्रायोरिटी बिट हम लोग लगाते हैं, प्रायोरिटी बिट लगाते हैं। सपोज ये देख सकते हो 8 बिट का नंबर है, 8 बिट का नंबर, ये भी 8 बिट का नंबर है। तो हम लोग प्रायोरिटी बिट दोनों साइड में लगाएंगे, दोनों साइड में प्रायोरिटी बिट लगाएंगे और चेक करेंगे कि प्रायोरिटी बिट जिस पोजिशन पर हम लोगों ने लगाया है, ठीक है, उसका वैल्यू सेंडर के साइड में और प्रायोरिटी बिट जो हम लोगों ने रिसीवर में लगाया है उसका वैल्यू अगर मैच करता है, ठीक है, तो आपका कोई एरर नहीं है। अगर मैच नहीं करता है तो एरर है। ठीक है, तो बहुत ही सिंपल है। प्रायोरिटी बिट का जो पोजीशन होता है हमेशा 2n वाला पोजीशन होता है। 2n अगर n में कोई भी वैल्यू अगर होगा तो वहीं पे हम लोग प्रायोरिटी बिट लगाएंगे, जैसे कि 1 पोजीशन में, 2 पोजीशन में, 4 पोजीशन में, 8 पोजीशन में, 16 पोजीशन में हम लोग प्रायोरिटी बिट लगाएंगे। सपोज आप देख सकते हो ये एक पोजीशन मैंने बनाकर रखा हुआ है, जैसे कि 9 बिट का है। तो आप देख सकते हो यहाँ पे P1 में प्रायोरिटी बिट लगेगा, P2 में लगेगा, P4 में लगेगा, P8 में लगेगा, आगे और होता तो हम लोग वहाँ पे P16 में प्रायोरिटी बिट लगाते। ठीक है, प्रायोरिटी बिट लगाते। एक क्वेश्चन अक्सर पूछा जाता है, आप लोग को इग्नू में भी पूछा गया है, हाउ मेनी एरर करेक्टिंग बिट आर रिक्वायर्ड टू सेंड 8 बिट यूजिंग SED कोड। SEC कोड का मतलब क्या होता है, सिंगल एरर करेक्शन, मतलब हैमिंग कोड वाला क्वेश्चन है। ठीक है, हम लोग को ये फाइंड करना है अगर 8 बिट का नंबर रहेगा तो कितना प्रायोरिटी कोड हम लोग वहाँ पर यूज करेंगे। प्रायोरिटी कोड को ही एरर करेक्टिंग बिट कहा जाता है। ठीक है, तो इसका एक फॉर्मूला होता है, क्या होता है, फॉर्मूला होता है 2i इज ग्रेटर देन इक्वल टू n+i+1। ठीक है, n क्या हो गया, जितना बिट का नंबर 8 बिट का नंबर है तो n आपका 8 हो गया। ठीक है, i हम लोग को फाइंड करना है, i हम लोग लगा लगा के चेक करेंगे किस वाले फॉर्मूले में, किस वाले में बैठ रहा है। ठीक है, अगर हम लोग i हम लोग का जीरो रखते हैं 2 के पावर 0 क्या होता है, 1 होता है, तो आपका जो आंसर आएगा आपका जो हम लोग चेक जो करेंगे 1 is not greater than equal to 9। तो ये क्या हो गया, पोजीशन, ये वाला सिचुएशन फेल हो गया। आई का वैल्यू को 2 रखते हैं तो 2 आपका जो ग्रेटर देन इक्वल टू 10 नहीं है तो ये भी फॉल्स हो जाता है। ठीक है, आई के वैल्यू को सॉरी 1 रखते हैं, आई के वैल्यू अगर 2 रखते हैं, ठीक है, आई के वैल्यू को 2 रखते हैं तो 2 2 4 होता है, 4 भी आपका 11 से बड़ा नहीं है और बराबर भी नहीं है। आई के वैल्यू को अगर 3 रखते हैं तो क्या होता है, 8 होता है, 8 भी आपका बड़ा बराबर 12 से नहीं है। ठीक है, आई के वैल्यू को 4 रखते हैं तो 16 होता है, 16 आपका 13 से बड़ा है तो ये हो जाएगा ट्रू, ये हो जाएगा ट्रू, मतलब 4 एरर करेक्टिंग बिट का हम लोग यूज करेंगे, मतलब 4 प्रायोरिटी बिट का हम लोग यहाँ पे यूज करेंगे अगर 8 बिट का नंबर दिया रहेगा तो। ठीक है, 8 बिट का नंबर दिया रहेगा तो आप, मैं यहाँ पे समझाने के लिए बताया आप लोग को, हम लोग 12 खांचा बनाएंगे। क्यों 12 खांचा बनाएंगे, एक तो आपका 8 बिट का नंबर है और 4 प्रायोरिटी बिट ऐड करना है आप लोग को, तो 8+4 कितना हो गया, 8+4 आपका 12 हो गया। ठीक है, 8+4 12 हो गया। ठीक है, थाना सिंपल। एक क्वेश्चन और यहाँ पे बनता है, इफ 8 बिट डेटा, अगर 8 बिट डेटा है आपके पास, क्या है, 8 बिट डेटा है, यही डेटा जो था जो मैंने आप लोग को ऊपर में दिखाया था 10110011। ठीक है, हमने ये डेटा भेजा बट रिसीवर ने ये रिसीव किया। ठीक है, तो एरर जो आया, हम लोग एरर कैसे डिटेक्ट करते हैं ये मैं आप लोग को बताता हूँ, चूंकि 8
बिट का नंबर है तो चार पैरिटी बिट हम लोग को ऐड करना है, आप मैंने ऊपर में बताया आप लोग को, तो 8 प्लस 4 कितना हो जाएगा 12, तो 12 खांचा हम लोग बना देते हैं, खांचा को इंग्लिश में जो भी आप लोग कहते हो, ठीक है, 12 केज बना देते हैं, ठीक है, 12 खांचा हम लोग बना देते हैं, ठीक है। अब क्या करते हैं, यहाँ पे हम लोग नंबर को ऐड कर लेते हैं, नंबर को हम लोग पुट कर लेते हैं, जो रिसीवर का हम लोग यहाँ पुट करेंगे, सेंडर का हम लोग यहाँ पुट करेंगे और रिसीवर का हम लोग यहाँ पे पुट करेंगे। तो सेंडर का कितना था 1 0 1 1, यहाँ पे पैरिटी बिट लगेगा, यहाँ पे नंबर नहीं पुट करना है, यहाँ पे 0 0 1 और 1 ये नंबर है, ठीक है। इस नंबर को कॉपी कर लेते हैं, एक बार कॉपी करते हैं, यहाँ पे भी पेस्ट करते हैं, यहाँ भी पेस्ट करते हैं और यहाँ पे भी पेस्ट करते हैं। अब देखो P1 क्या करता है, एक घर को रखेगा, एक घर को छोड़ेगा, एक घर को रखेगा, एक घर को छोड़ेगा, ठीक है। तो इसे रखता हूँ, इसे छोड़ता हूँ, फिर इसे रखता हूँ, ठीक है, इसे रखता हूँ, इसे मैं कलर चेंज कर देता हूँ, इसे छोड़ दिया, फिर इसे रखा, इसे छोड़ा, फिर एक घर को कैच किया, एक घर छोड़ा, फिर इसे कैच, सॉरी, फिर इसे कैच किया, इसे छोड़ा, फिर इसे कैच किया, इसे छोड़ा, एक घर को रखा जो कि P1 है, एक घर को कैच करेगा, एक घर को छोड़ेगा। अब कितना वन आया, वन आपका अगर इवन आता, एक बात को याद रखना जो मैं अभी बोल रहा हूँ, वन अगर आपका इवन आता है तो यहाँ पे हम लोग जीरो लगाएंगे, ठीक है। वन आपका ऑड आता है तो आपको वन, तो यहाँ पे वन लगाएंगे। मैं फिर से बोल रहा हूँ, वन अगर टोटल काउंट जो है वन आपका, ठीक है, वन आपका अगर मतलब कि इवन नंबर होता है, वन आपका इवन नंबर होता है तो प्रायोरिटी बिट क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। वन आपका ऑड नंबर होता है तो प्रायोरिटी बिट आपका वन हो जाएगा। आप देख सकते हो वन ऑड है क्योंकि तीन बार वन आया है तो यहाँ पे वन क्या हो जाएगा, P1 1 हो जाएगा, P1 आपका वन हो गया, ठीक है, प्रायोरिटी बिट आपका वन हो गया। मैं यहाँ पे भी लिख देता हूँ P1 1। अब हमें P2 फाइंड करना है। P2 में क्या करते हैं, दो घर रखते हैं, दो घर छोड़ेंगे, दो घर हम लोगों ने रखा, ठीक है, दो घर, ये इसको इसको छोड़ दिया, फिर हम लोगों ने दो घर रखा, फिर दो घर छोड़ दिया, फिर हम लोगों ने दो घर रखा, फिर तो कोई घर भी नहीं है, एक घर बचा है, ठीक है। अब देखते हैं यहाँ पे वन कितना आया, जो हम लोगों ने पकड़ा था वन आपका दो आया तो प्रायोरिटी बिट क्या हो जाएगा आपका, जीरो, क्योंकि आपका इवन है तो जीरो, ठीक है। अब यहाँ पे हम लोग पुट कर देते हैं वन और जीरो। P4 में क्या करते हैं, चार घर रखेंगे, चार घर छोड़ेंगे, चार घर को रखते हैं और चार घर को छोड़ देते हैं, चार घर को छोड़ देते हैं, फिर चार घर रखना है चूंकि यहाँ पे वन इकलौता बचा तो इसे हम लोग क्या करते हैं, रख लेते हैं। अब देखो ये आपका P4 कितना हो जाएगा, क्योंकि दो बार वन आ रहा है, ठीक है, दो आपका इवन नंबर है तो P4 भी आपका जीरो हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ भी P4 का वैल्यू जीरो रख देते हैं, P2 का वैल्यू को भी आपका जीरो था, P1 का वैल्यू आपका वन था। अब निकालना है P8 में आठ घर रखते हैं, आठ घर छोड़ते हैं, ठीक है, तो चूंकि यहाँ पे आठ घर नहीं है, जितना भी है हम लोगों ने कैच कर लेते हैं, ठीक है। तीन आपका वन आता है तो वन आपका ऑड नंबर है तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, वन आपका ऐड हो जाएगा। अब जो P1 P2 P4 P8 की वैल्यू आपको यहाँ पे मिल गई, ठीक है, सारी वैल्यू आपको यहाँ पे मिल जाती है, ठीक है। इस कलर को मैं P8 की वैल्यू 1 है, P4 की वैल्यू 0 है, P1 P2 की वैल्यू 0 है, P1 की वैल्यू आपकी 1 है। अब यही काम क्या करते हैं, रिसीवर के साइड करते हैं, रिसीवर के पास भी यही काम करते हैं। तो रिसीवर का नंबर क्या था, 100 था, 1 से स्टार्ट है, तो बस यहाँ पे पहले नंबर लिखना है 1, ठीक है, 0 0 1, नंबर अलग अलग कलर का आ रहा है, मैं इसे ठीक कर दूंगा, ठीक है,
प्रायोरिटी बिट के पास नंबर नहीं लिखना है, ठीक है। फिर क्या था आपका, जीरो जीरो वन और वन, ठीक है। इसे मैं ब्लैक कर लेता हूँ, इसे मैं ब्लैक कर लेता हूँ। ये आपका नंबर आ गया, ठीक है। हमें करना क्या है, सबसे पहले P1 फाइंड करना है। पहले ही बोला था P1 में एक घर रखते हैं, एक घर को छोड़ते हैं। एक घर को मैंने रखा तो इसे मैंने छोड़ दिया। फिर एक घर को हम लोग रखते हैं, ठीक है, एक घर को हम लोग रखते हैं और इसे छोड़ते हैं। फिर एक घर को रखते हैं, इसको छोड़ते हैं। फिर एक घर को रखते हैं, इसे छोड़ते हैं। फिर एक घर को रखते हैं, इसे छोड़ते हैं। फिर एक घर को रखते हैं, इसे छोड़ते हैं। एक घर को रखना है, एक घर को छोड़ना है P1 में, ठीक है। तो वन का वैल्यू कितना आ जाएगा, तो P1 का वैल्यू कितना आ जाएगा, आप देख सकते हो तीन वन है, तीन वन आपका ऑड है, तो P1 आपका वन हो गया। इसी वन को यहाँ पे, ठीक है, P1 आपका वन हो गया। तो इसे हम लोग कॉपी करो, यहाँ पे पेस्ट कर देते हैं, ठीक है, यहाँ पे पेस्ट करते हैं। कलर सबका ब्लैक कर लेते हैं, फिर से समझने में आप लोग को आसानी होगी, ठीक है। यहाँ भी पेस्ट करते हैं, इस वाले पोजीशन में भी पेस्ट कर देते हैं चार बार, और यहाँ भी पेस्ट कर देते हैं, ठीक है। P1 आपका निकल गया, P1 आपका वन निकल गया, ठीक है। P2 में क्या करना होता है, दो घर रखते हैं, दो घर छोड़ते हैं, आप लोग को पता होगा, दो घर रखो, ठीक है, दो घर रखते हैं और दो घर छोड़ते हैं। फिर दो घर रखे, फिर दो घर छोड़ दिए। फिर दो घर रखते हैं और दो घर छोड़ देते हैं, ठीक है। आप देखो यहाँ पे एक ही वन है, क्या है, एक ही यहाँ पे वन है, तो P2 का वैल्यू कितना हो जाएगा, ठीक है, P2 का वैल्यू एक ही वन है, तो यहाँ P2 का वैल्यू, ये पे ऑड नंबर है, तो यहाँ पे वन हो जाएगा P2 का वैल्यू, ठीक है। P2 का वैल्यू यहाँ पे क्या हो गया, वन हो गया। अब क्या निकालना है हमें, P3 निकालना है। P3 में क्या करना, P4 निकालना है। P4 में क्या करते हैं, चार घर रखेंगे, चार घर छोड़ेंगे, चार घर को रख लिए, ठीक है, और चार घर छोड़ दिए, ठीक है। फिर चार घर को रखते हैं, चूँकि बिकॉज एक ही घर बचा है तो इसे रख लेते हैं यहाँ पे, ठीक है। अब देखते हैं, दो बार एक है, दो बार एक है, दो आपका दो बार एक है, तो ये इवन नंबर है, तो P4 क्या हो जाएगा आपका, जीरो हो जाएगा, ठीक है। अब क्या करना है, अब आपका निकालना है, पहले जहाँ पर जीरो लिख दो, P8 निकालना है। P8 में क्या करते हैं, आठ घर रखते हैं, आठ घर रखते हैं, तो सबको रखना पड़ेगा भाई यहाँ पे, ठीक है, बाकी तो घर ही नहीं है तो छोड़ देते हैं। तो दो बार आपका आया, दो बार आपका वन आया, ठीक है, तो ये भी आपका क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा, ठीक है। अब क्या करो, सबके वैल्यू को लिख देते हैं, सबके वैल्यू को हम लोग यहाँ पे लिखते हैं, रिसीवर साइड को और सेंडर साइड को, ठीक है। एक टेबल बना लेता हूँ, एक टेबल बना लेता हूँ, ठीक है। इस टेबल को थोड़ा सा छोटा कर दूँ क्या, ठीक है, चलो कोई नहीं। ये आपका सेंडर, ये आपका रिसीवर, ठीक है, आर लिखता हूँ बस, आप लोग समझ जाओ, ठीक है। अब यहाँ पे P1 की वैल्यू, P1, P2, P3 और P4, ठीक है। सेंडर साइड में P1, P1 की कितनी वैल्यू थी, वन थी, ठीक है। P2 की वैल्यू आपका जीरो था, P4 होता है ना, सॉरी P4 होता है, ये P8 हो जाएगा, ठीक है। P4 कितना था आपका, जीरो था। P8 कितना था आपका, वन था। रिसीवर साइड में P1 कितना था आपका, वन था, ठीक है। P2 भी आपका कितना था, वन था, आप देख सकते हो यहाँ पे वन लिख दो। P2 आपका क्या था, वन था, ठीक है। P4 कितना था आपका, जीरो। और P8 कितना था आपका, जीरो। अब देखो यहाँ पे क्या मैच कर रहा है, क्या नहीं मैच कर रहा है। ये आपका वन वन मैच कर रहा है, ठीक है। P2 आपका मैच नहीं कर रहा है, P2 आपका मैच नहीं कर रहा है, ठीक है। P3
P2 आपका मैच नहीं कर रहा है और आपका P4 मैच कर रहा है और P8 मैच नहीं कर रहा है, P8 आपका मैच नहीं कर रहा है, ठीक है। तो 2+8 कितना हो गया आपका, 10 हो गया, कितना हो गया आपका, 10 हो गया, ठीक है। तो इस 10 का मतलब क्या है, 10 ये जो रिसीवर के साइड में 10वें घर के पास आपका एरर है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ठीक है, यहाँ पे एरर है, यहाँ पे एरर है आपका, यहाँ पे एरर है आपका, पता चल गया, ठीक है। तो था ना सिंपल, ठीक है। क्वेश्चन क्या था आपका, इफ़ ए 8-bit डेटा, 8-bit का जो ये डेटा था, ठीक है, ये हम लोगों ने सेंड किया, ये आपका रिसीव किया, हाउ दिस एरर कैन बी डिटेक्टेड, तो हमारा एरर डिटेक्ट हो गया, 10 घर के पास एरर है, ठीक है, 10वें घर के पास हमारा एरर है। कोई भी क्वेश्चन है, कोई भी डाउट है, आप मुझे मेल करो, व्हाट्सएप करो, ठीक है। क्वेश्चन नहीं समझ में आती है तो उसे आप मुझे मेल कर सकते हो, कॉल कर सकते हो, व्हाट्सएप कर सकते हो। जल्दी मिलता हूँ एक न्यू वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।